खबर मुंबई से सटे कल्याण रेलवे परिसर की है, जहां पुराने हनुमान मंदिर के बचाव में मन से उतरी है। बता दें, रेलवे परिसर स्थित करीबन 72 साल पुराने हनुमान मंदिर को तोड़ने का आदेश केंद्रीय रेल मंत्री अश्विन वैष्णव ने जारी किया था। जैसे ही मंदिर को तोड़ने की खबर मनसे के शहर संगठक रूपेश चंद्रकांत भोयर को हुई, उन्होंने तत्काल ही केंद्रीय रेल मंत्री को पत्र लिखकर उनसे अनुरोध किया कि वर्षों पुराना हनुमान मंदिर, जो कि लाखों लोगों की आस्था का केंद्र है, उसे ना तोड़ा जाए। साथ ही मंदिर से होने वाले लाभ से भी अवगत कराया, जिसके बाद उनके पत्र को तुरंत संज्ञान में लिया गया और मंदिर को मनसे नेता के अथक प्रयासों से बचाया गया। सर, क्या कहना चाहेंगे मंदिर के बचाव में आप आए आगे आए? 70-72 साल पुरानी वास्तु में श्री राम प्रभु भक्त हनुमान जी का जो मंदिर है, इस मंदिर के ऊपर तोड़क कार्रवाई करने का आदेश रेल मंत्री ने, केंद्रीय रेल मंत्री के तरफ से यहाँ पर आया। उसी की तरह से हमारे ये जब प्रभु रामचंद्र भक्त है, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कल्याण शहर शाखे के ओर इन्होंने हमारे मंदिर को बचाने के जो प्रयत्न के लिए आए थे, तो उसी तरह से मैं कल्याण शहर संगठक रूपेश भोई, महाराष्ट्र नवनिर्माण स्टाइल के जो हमारी स्टाइल होती है, आंदोलन की चेतावनी दी। अगर ये मंदिर के ऊपर अगर आपने हथौड़ा चलाने की कोशिश की, तो हम महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के स्टाइल में इनको चेतावनी दी। रेल मंत्री, तत्कालीन रेल मंत्री पीयूष गोयल साहब को हमने पत्र द्वारा लिखित दिया था, यदि अगर ये मंदिर के ऊपर गदा चलाएंगे तो यहाँ पर तीर आंदोलन हम छेड़ेंगे। उनके बीच कारण हमने बताया, यदि अगर आपको GRP ऑफिस 4 नंबर और 5 नंबर की GRP ऑफिस को कार्यालय, अगर तुम्हारी जगहों के ऊपर मंदिर के बिल्कुल दाहिनी तरफ मंदिर का एक प्रीमाइस है, वो मंदिर के प्रीमाइस की जगह पे GRP ऑफिस का हमने उनको सूचित किया था कि आप वहाँ पर कार्यालय बनाएं। उसी तरह से उन्होंने हमारे पत्र द्वारे हमारे ये जो निवेदन को स्वीकार करते हुए GRP कार्यालय दशहरे के दिनों उद्घाटन किया। हम उनका अभिनंदन करते और ये मंदिर को बचाने के लिए हमने जो प्रयास किया वो यशस्वी तर होगा, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद।